देखो बेटा, इसमें पूछ रहे हैं कि अगर प्लेन एंगल सॉलिड एंगल है तो एक बार आंसर जरूर देख लिया कीजिए। तो क्या कह रहे हैं, यूनिट और डायमेंशन, यूनिट और डायमेंशन पूछ रहे हैं। तो आपने कहा सर प्लेन एंगल दो लाइन के बीच का एंगल है, मैं राइट? कहें सर इसकी यूनिट तो हो सकती है, कभी डिग्री में हो सकती है, कभी आपके पाई में हो जाती है, यानी कि रेडियन में भी हो जाती है, यूनिट हो सकती है। लेकिन चूंकि रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी टेन थीटा जानते हैं, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हम परपेंडिकुलर भी लेंथ है और बेस भी लेंथ है, तो यानी कि रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी तो डायमेंशन नहीं होगी, तो यूनिट हो जाती है। तो प्लेन की तो आपने देख ली। सॉलिड एंगल जो होता है वो एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया बिटवीन टू लाइंस। तो जाहिर सी बात है एरिया इसका यूनिट भी होती है, स्टे रेडियन आपने देखा है, लेकिन चूंकि रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी है तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन नहीं होगी। तो आप कह सकते हैं कि प्लेन एंगल सॉलिड एंगल बोथ हैट यूनिट बट नो डायमेंशन। तो आप कह सकते हैं यूनिट बट नो डायमेंशन।